दोस्तों, मैं भीम बासपुर प्रेसिडेंट ऑफ बासपुर अनुसूचित जाति स्टूडेंट यूनियन। आज मैं आया हूँ धुबरी में, और जैसे कि हम लोग पूरे आसाम में घूम रहे हैं, जगह जगह पे घूम रहे हैं, और कोरोना काल में भी हमें रिक्स लेके जगह जगह पे जाना पड़ रहा है। कहीं 12 घंटा और 14 घंटा हम जा रहे हैं, और भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से रात को नाइट कर्फ्यू भी हो रहा है, और उसके अलावा शाम के बाद गाड़ी मिलना भी मुश्किल हो रहा है। तो वहाँ भी हम जाएंगे जहाँ जहाँ हम अभी नहीं जा पाए हैं। लेकिन इसी अभियान के बीच आज हम धुबरी में आए हैं, और धुबरी में आके हमें काफ़ी यहाँ समस्या देखने को मिला। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जगह जगह जाते हैं तो इससे कोरोना का भी रिस्क बढ़ते जा रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम कहीं भी जाते तो कोविड टेस्ट करके ही जाते हैं, जिसमें नेगेटिव रिपोर्ट मेरा है। तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें भी सावधानी बरतना आता है। और धुबरी में जो बहुत मैंने जो समस्या देखा उसको लेके यहाँ के लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। तो धुबरी की समस्या क्या है यहाँ पे हमारे पास? धुबरी का समस्या यही है, थोड़ा जोर से बोलिए। धुबरी का समस्या यही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट नौकरी किसी का नहीं है। फिलहाल 25-30 साल से नौकरी कर रहा है आदमी लोग, तो यहाँ पर पानी का भी सुविधा नहीं है, घर का जो सुविधा भी नहीं है, अच्छा घर भी नहीं है। सरकार हम लोग को जो दिया है घर, उसमें सुविधा ही नहीं है। और नौकरी इतना साल से कर रहा है, 30-40 साल हो गया नौकरी, परमानेंट भी नहीं हुआ है। फिलहाल पानी का भी बहुत समस्या है। कोई आपको सरकारी स्कीम मिला है? सरकारी स्कीम भी नहीं मिला है 40,000 रुपया। और यहाँ का म्यूनसिपलिटी में आपका वेतन कितना है यहाँ पे? यहाँ पर तो वेतन बहुत कम है। कितना है? 9,800। फिर भी बाकी आसाम के डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन परमानेंट कितने लोगों का हुआ है? 5-10 साल में यहाँ पर किसी को परमानेंट नहीं हुआ है, एक भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे पानी, बाढ़ पानी के समय में पानी कैसा होता है यहाँ पे? बिन पटिया में तो बहुत पानी हो जाता है, घर में पानी घुस जाता है, रोड में भी पानी क्रॉस कर देता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि धुबरी में जो मेन समस्या है कि यहाँ पे यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। सफाई काम नहीं मिल रहा है। और म्यूनसिपलिटी में भी 5-10 साल हो गया, कुछ लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, 20 साल हो गया, वहाँ भी परमानेंट नहीं हुआ है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी जो भी सरकार बनेगा आसाम में, ऐसे तो कल रिजल्ट आ ही जाएगा, और जो भी सरकार बनेगा उसको हम लोग जगह जगह कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि 6 महीना ही हम टाइम देंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम और ज़िंदगी भर और 5 साल इंतज़ार करेंगे। सबसे पहले तो धुबरी में जो मेडिकल कॉलेज बनेगा वहाँ पे यहाँ के इस डिस्ट्रिक्ट के बासपुर को ही लेना पड़ेगा। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बासपुर को हम या किसी और बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को हम यहाँ काम करने नहीं देंगे। धुबरी में यहाँ के ही बासपुरों को मेडिकल कॉलेज में लेना पड़ेगा। यहाँ के जितने नौकरी आएंगे यहाँ के लोगों को लेना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ जो कॉलोनी का जो समस्या है, आप देखिए, ये समस्या में यहाँ पे एक एक रूम में कम से कम 5-6 लोग 7 लोग को रहना पड़ रहा है। बाथरूम का समस्या है, और आबादी बढ़ रहा है, लेकिन जगह का वही समस्या है, जगह बहुत कम है। यहाँ से सरकार से कोई मदद नहीं मिला है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी आप जान लीजिए, कोई समस्या है यहाँ पे? यहाँ पर बहुत समस्या, जोर से बोल दीजिए, बहुत समस्या है यहाँ पर। दो तीन समस्या क्या है? दो तीन समस्या यहाँ पर, हम लोग का बहुत पहले है पानी का समस्या। यहाँ पर पानी का कोई सुविधा नहीं है, पानी के लिए हम लोग जाते भी हैं तो कोई बाथरूम नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा है जो हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, कोरोना में भी हम लोग काम किए, फिर भी हम लोग का म्यूनसिपलिटी की तरफ से हो, जिस सरकार की तरफ से कुछ भी हम लोग का सुविधा नहीं मिलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है आप लोग का? सेल्फ हेल्प ग्रुप, वही आपको स्कीम मिला है? नहीं मिला। व्हाट इज इट? नहीं। तो देखिए, सबसे यहाँ पे क्या हो गया है कि सरकार यहाँ कुछ नहीं देखा है 5 साल में, और इसीलिए अब जो नया सरकार आएगा उससे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ के लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरा देश में ये बात हो रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जाति के लोग हैं घर में तो गैस सिलेंडर भी नहीं है, और इतना दाम हो गया गैस सिलेंडर का, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है, लेकिन इनका हाजिरा इतना कम है कि उससे तो परिवार नहीं चलेगा। इसीलिए मैं धुबरी आया हूँ, और आज इन सभी लोगों को आज साक्षी रखते हुए ये डिमांड रखता हूँ कि 6 महीने के अंदर यहाँ के लोगों को नौकरी में परमानेंट करना पड़ेगा, यहाँ का म्यूनसिपलिटी का वेतन बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ का कॉलोनी का जो समस्या है यहाँ का MLA को आके देखना पड़ेगा, और 6 महीने के अंदर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 6 महीने के अंदर ये नहीं दूर होता है तो इस चीज़ को लेकर हम लोग गुवाहाटी में भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे,
और अब हमारा जाति बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद।